सभी मंगलाचरण करेंगे, सभी हाथ जोड़ देंगे और जो मैं बोलूंगी उसके पीछे पीछे वही वर्ड दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जयमुदीर्य, ततो जयमुदीर्य, नष्टप्रायेषु भद्रेषु, नष्टप्रायेषु भद्रेषु, नित्यं भागवते सेवया, नित्यं भागवते सेवया, भगवती उत्तम श्लोके, भगवती उत्तम श्लोके, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भक्तिर्भवति ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागदैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आप सभी का एवीएस क्लास में स्वागत है। तो आप सभी का धन्यवाद आने करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या आप सब लोगों को पता है? माता देवभूति आज हमारा टॉपिक है। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं और साथ में शिक्षाएं भी हैं। तो जो भागवतम में कथाएं हैं तो उनको ऐसे नहीं मान लेना चाहिए काल्पनिक या और बाकी महाभारत रामायण में है इस तरह से नहीं है, इसमें शिक्षाएं भी हैं साथ में बहुत सारी। तो माता देवभूति के चरित्र से हम आज कुछ शिक्षाएं हैं जो हम आज प्रयास करेंगे उनके ऊपर चर्चा करने का, और सुन करके उनको हम अपने जीवन में भी उतारें तभी लाभ होगा श्रवण करने का। तो श्रीमद् भागवतम को जीना है तो हम माता देवभूति का चर्चा करते हैं आज। तो माता देवभूति कौन है थोड़ा बहुत मालूम होगा सबको ही, तो कोई बता सकता है कि माता देवभूति कौन है? हाँ, भगवान कपिल देव की माता है
और कितनी किन की धर्म पत्नी है, अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, कर्दम मुनि की वे भार्या है। तो आज हम उनके विवाह के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे उनका विवाह हुआ माता देवहूति का कर्दम मुनि के साथ। तो यहाँ से हम कथा शुरू करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था संतान उत्पत्ति का कर्दम मुनि को कि संतान उत्पत्ति करो, और भी बहुत सारे उनको बोला था संतान उत्पत्ति करने के लिए सृष्टि कर रहे थे जब ब्रह्मा जी, तो उनमें से एक कर्दम मुनि भी थे हैं, उनको बोला गया संतान उत्पत्ति के लिए। तो कर्दम मुनि आदेश पाते ही ऐसा नहीं है कि चलो अब एक पत्नी की तलाश में निकला जाए, क्योंकि आदेश मिला है संतान उत्पत्ति के लिए तो एक पत्नी होनी चाहिए, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि एकदम से वो पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे विवाह करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो वे क्या करे, भगवान से आदेश लेके, सॉरी ब्रह्मा जी से आदेश लेके, और वे तपस्या करने के लिए बैठ गए। कहाँ पे पता है किसी को कर्दम मुनि ने कहाँ पे तपस्या की थी? सरस्वती नदी के किनारे तट पर, है ना, सरस्वती नदी के तट पर कर्दम मुनि ने तपस्या करी, है ना, किस लिए? एक सुयोग्य और गुणवान सहनशील ऐसी पत्नी के लिए। तो लेकिन आजकल जो लोग देखते हैं ना, बाहरी गुणों को ही देखते हैं, बाहरी गुणों से ज्यादा प्रभावित होते हैं आजकल के जो बच्चे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बाहरी गुणों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, आपस में आकर्षण होता है उनको, सिर्फ सुंदरता देख करके अट्रैक्ट होते हैं बच्चे आजकल के। तो हमें अब इनके कर्दम मुनि और माता देवहूति के चरित्र से सीखना है कि विवाह का चुनाव कैसे करना चाहिए, ये हम आज इससे सीखेंगे। तो कर्दम मुनि ने फिर 10,000 वर्ष तपस्या करी वहां बैठ करके, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उनको दर्शन दे करके कृतार्थ किया, और भगवान के दर्शन करके उन्होंने बहुत सारे उनके भगवान की जो है स्तुतियां की कर्दम मुनि ने। और भगवान जब प्रकट हुए तो कर्दम मुनि को बोले कि अवश्य जो तुम्हारी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी, जो मुझे पता है कि तुमने किसलिए तपस्या की है, तुम्हें एक सुशील गुणवान पत्नी की तलाश है, तो जब शीघ्र ही तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी। और भगवान ने ये भी बताया कि कौन होगी वो आपकी जो है पत्नी कौन बनेगी, तो उन्होंने बताया कि स्वयं भू मनु और उनकी जो पत्नी है शत्रुपा, उनकी जो पुत्री है क्या बोलते हैं देवहूति, उनकी एक कन्या है, उसका वर मांगने के लिए वो तुम्हारे पास आएंगे। और कब आएंगे? जल्दी आएंगे, परसों आएंगे, ये टाइम डिसाइड कर दिया भगवान ने कि परसों आएंगे अपनी कन्या का हाथ देने, तुमको आएंगे परसों। तो यहाँ पर कृपा जी बता रहे हैं कि कैसे वर का या वधु का चयन करना चाहिए। यहाँ पर कृपा बता रहे हैं कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी पुत्री के लिए या पुत्र के लिए वे चयन करें, वे ढूंढे। कृपा जी बता रहे हैं भागवतम स्कंद 3:21 और 27 में, तो भगवान जो वर्णन कर रहे हैं उनकी क्या बोलते हैं पुत्री का, स्वयं भगवान उनकी पुत्री का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है। कर्दम मुनि को बता रहे हैं कि वो कैसी है, वह विवाह के योग्य है, वह उत्तम चरित्र वाली तथा सर्वगुण संपन्न है, वह भी अच्छे पति की तलाश में है। हे महाशय, उसके माता पिता तुम्हें मिलने हेतु आएंगे, तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे
जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे, ऐसा भगवान बोल रहे हैं उनको। तो यहाँ कृपा जी तात्पर्य बता रहे हैं कि अच्छी कन्या हेतु अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे हैं। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने हेतु श्री कर्दम मुनि को मिलने जा रहे थे, क्योंकि उनकी कन्या अत्यंत सुयोग्य थी और माता पिता समान गुण वाले वर की तलाश में थे। क्यों? क्योंकि जो कन्या है उनकी देवभूति वो बहुत ही गुणवान थी, तो उसी के समान गुणों वाला वर भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर किसी को दे देंगे। जब अपना बच्चा कोई बहुत ही गुणवान है तो ये चिंता होती है कि मेरी पुत्री तो बहुत अच्छी है, इसके लायक अच्छा वर ढूंढना पड़ेगा, ऐसे अरे गहरे को नहीं दे देना। तो ऐसे वो भी चिंतित थे, तो उसी के अनुरूप उनको वर चाहिए था। यही माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे का गुण देख करके मिलान करके फिर शादी करें। तो लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगी कि पति उनके अनुरूप भी है या नहीं। काम विपासा के कारण लड़की किसी को भी पति बना सकती है, किंतु यदि माता पिता उसके लिए पति का चुनाव करते हैं तो वे इसका सम्यक विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। अतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। तो जो आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, क्या सोचते हैं बच्चे आजकल के कि माता पिता तो जो है पुराने जमाने के हैं, वे कैसे जानेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और सही बताए तो पहले तो वर वधु आपस में देखते भी नहीं थे, है ना। माता पिता ही, यहाँ तक कि माता भी नहीं जाती थी, पिता, बड़ा भाई, ताऊजी, चाचा, ये सब जाते थे वर ढूंढने के लिए। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, तो पहले ज्यादा जमाना अच्छा था, क्योंकि अब जब लड़के लड़की खुद शादी कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि सक्सेसफुल नहीं होती है शादी, कुछ टाइम बाद में पता चलता है कि डिवोर्स हो गया, है ना। लेकिन माता पिता सही चुनाव करते थे अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आश्रित रहना चाहिए माता पिता के ऊपर। और यहाँ पर कृपा जी बता रहे हैं कि अगर लड़की खुद अपने लिए अगर वर ढूंढती है तो बताते हैं कि उसको अपने गुणों का खुद बाहर प्रदर्शन करना पड़ेगा, है ना। मान लो कोई पसंद नहीं करता है, इतना सुंदर नहीं है लड़की, तो एक तरह से बहुत सज धज करके बाहर निकलेगी, है ना, एक्शन दिखाएगी, अपने गुणों का प्रदर्शन करेगी कि भाई मैं सुंदर हूँ, तभी तो कोई अट्रैक्ट होगा ना। ऐसे ही बन के जाएगी बाहर तो कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है लड़की के लिए। तो इसलिए माता पिता पे आश्रित रहना चाहिए। तो ये माता पिता का कर्तव्य है, और लड़का लड़की का भी ये कर्तव्य है। क्या है कि उनको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे? जैसे कर्दम मुनि को आदेश मिला कि संतान उत्पत्ति करो, तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही शादी के लिए निकल पड़े, नहीं, वे भगवान के ऊपर आश्रित हो गए, है ना, भगवान की तपस्या करी उन्होंने। तो उसी तरह से लड़का और लड़की को भी अगर वर ढूंढना है तो उसके लिए उनको ना भगवान पे आश्रित होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए भगवान की। तो भगवान हमारी जो चाह है, एक्सपेक्टेशन है, उससे कहीं अच्छा देंगे, क्योंकि हमें तो मांगना भी नहीं आता भगवान से, है ना। लेकिन बस एक विचार रख सकते हैं कि भगवान ये इच्छा है, अगर मेरे अनुरूप हो तो जरूर कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपकी जो मेरे लिए बेस्ट हो आप वही करेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। तो इस तरह से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, कुछ भी अगर ऐसी इच्छा होती है तो भगवान के पास ही जाना चाहिए। और 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में, फिर उसके बाद जब भगवान प्रसन्न हुए, तो यहाँ पर कृपा जी बोल रहे हैं कि केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मनोवांछित पत्नी प्राप्त होती है, इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से हृदय की इच्छा के अनुसार पति मिलता है।
इस प्रकार ये कहा जाता है कि नित्य प्रति के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें तो प्रत्येक काम सुचारू रूप से हमारे रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। दूसरे शब्दों में सभी परिस्थितियों में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य कुछ सोचता है तो जरूरी नहीं है कि पूरा हो, अतः इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पर छोड़ देना सबसे ज्यादा उत्तम समाधान है। श्री कर्दम मुनि को केवल पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण श्री भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन दिया। इस प्रकार श्री कर्दम मुनि को अपनी आशा से उत्तम पत्नी मिली। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर रहे तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक और प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें इंडिपेंडेंट होकर के कोई काम नहीं करना है, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो हमारे लायक होगा भगवान वो अपने आप देंगे। तो यहाँ पर आगे फिर आता है वहां का स्वयंभू मनु की जो पुत्री थी उनके दो भाई भी थे, कौन कौन थे? प्रियव्रत और एक उत्तानपाद, दो भाई थे और एक वो बहन। तो वहां पर वे अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री से, तो विवाह के योग्य हो गई थी और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो नारद मुनि से सुन रखी थी, क्या बोलते हैं, देव की माता नारद मुनि से सुन रखी थी। उन्होंने बताया नारद मुनि ने कि तुम्हारे लिए एक सुयोग्य वर है, वो है तो कर्दम मुनि, वो तुम्हारे योग्य वर के लायक है। तो सुन करके प्रभावित हो गई, ठीक कैसे, जैसे और भी है एक आइडल वुमेन जिन्होंने सुन रखा था भगवान के विषय में, कौन बता सकता है? भगवान कृष्ण की पत्नी कौन थी? रुक्मणी जी। वे भी भगवान के गुणों को सुन सुन करके ही प्रभावित हुई थी और निश्चय कर लिया था कि मेरे को अब भगवान कृष्ण से ही शादी करनी है। तो उसी तरह से यहाँ पर माता देवभूति ने भी सुन रखा था उनके विषय में, कर्दम मुनि के गुणों के विषय में, तो उनसे प्रभावित होकर के निश्चय कर लिया था कि मेरा पर यही गुण। तो उन्होंने अपने पिता से बोला था कि ये बात है, तो पिता भी प्रसन्न हो गए कि ठीक है, अच्छे हैं, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो अपनी पुत्री को और अपनी पत्नी को विमान पर सवार करके और वो वर की तलाश में निकल पड़े, कर्दम मुनि की तलाश में। और वहां पर जब वो पहुंचे तो यज्ञ आहुति वगैरह वो सब कर रहे थे कर्दम मुनि, वहां जाकर के उनको प्रणाम किया उन्होंने। और प्रणाम करने के बाद ग्लोरिफिकेशन किया, भगवान तो वहां से चले गए थे, कर्दम मुनि को आशीर्वाद दे करके कि परसों आएंगे तुम्हारे पास वर की खोज में, स्वयं भगवान तो वहां से चले गए थे। वहीं पर बिंदु सरोवर है, सरस्वती नदी के किनारे बिंदु सरोवर है, उस रास्ते से भगवान अपने धाम को लौट गए थे। और फिर यहाँ पर कथा शुरू होती है, देवभूति और उनके माता पिता वहां पर आते हैं कर्दम मुनि के पास। तो उन्होंने जो है स्वयं भगवान ने इच्छा प्रकट की कि मेरी पुत्री है ये और इन्होंने तुम्हारे गुणों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और अपनी कन्या का हाथ हम आपको देना चाहते हैं। तो कर्दम मुनि बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी कन्या के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और ये सहनशील भी है, कुंवारी भी है, गुणवान भी है, सुंदर भी है, सुशील भी है, बहुत सारे गुण हैं इनके अंदर। और एक और मैंने इनके बारे में सुन रखा है कि एक बार जब छत की महल की छत पे जब गेंद खेल रही थी तुम्हारी पुत्री, तो एक गंधर्व विमान से जा रहे थे ऊपर से, तो उनकी सुंदरता को देख करके वो इतने मोहमुग्ध हो गए कि वो गिर पड़े अपने विमान से नीचे। तो इतनी सुंदर थी माता देवभूति, जो नुपुर की झनकार और सुंदरता को देख करके मूर्छित होकर के नीचे गिर गए। तो इतने चर्चे थे उनके कि इसलिए प्रभावित हो गए कर्दम मुनि कि हाँ मैं कर सकता हूँ आपकी कन्या से, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है
कि जब हमारी संतान उत्पन्न होगी तो फिर मैं गृह त्याग कर दूंगा यानी संन्यास ले लूंगा, क्योंकि मैं भक्ति योग का सहारा लूंगा, आगे जाके भगवान को पूरी तरह समर्पित कर दूंगा गृह त्याग करके। तो यहाँ पर कृपा जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि गेम पहले नहीं खेले जाते थे, ऊंचे ऊंचे महल पहले नहीं होते थे, जो आजकल जो इतने इतने मंजिल घर बना रहे हैं ऐसे पहले भी होते थे महल बहुत ऊंचे ऊंचे। उससे पता चलता है, इस कथा से पता चलता है कि बहुत ऊंची छत होगी गेम खेल रही है देवभूति माता, तभी तो वो देख पाए गंधर्व इतने ऊपर से विमान से। तो पहले भी घर होते थे बहुत ऊंचे ऊंचे महल होते थे और लड़कियां भी खेलती थी, लेकिन आम लड़कियों को ऐसे बाहर खेल जैसे आजकल खेलती हैं लड़कियां, है ना, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, बैडमिंटन रेस सारे गेम आजकल लड़कियां खेलती हैं ऑडिटोरियम में, तो ऐसा पहले नहीं होता था। लेकिन जो बड़े घरानों की लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, राजकुमारियां हैं, वे खेलते थे, लेकिन छत पे या उनका जो जहाँ पर पुरुष नहीं जाते थे, उनकी सखियां होती थी, दासियां होती थी, वहीं पर महल में ही आ जाते थे, वहीं वो खेलती थी, है ना, आजकल की तरह नहीं। लेकिन जो आम जो छोटे लोग थे उनकी लड़कियां ऐसे नहीं खेलते थे बाहर, और वे खेलती थी तो छत पे खेलती थी, उनकी जो महल की छत पे जो कन्याएं थी राजकुमारियां थी। लेकिन आजकल कृपा जी बोल रहे हैं कि गेम होते हैं, लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उस तरीके से जब लड़कियां खेलती हैं ऑडिटोरियम में तो वहां पर इतने लोग बैठे रहते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो गेम में देखने के लिए कोई नहीं जाता है, है ना, क्या देखने जाते हैं वहां, लड़कियों को देखने जाते हैं, सेटल फॉर्म में सेक्स छिपा है इसके पीछे, तो एक तरह से इंद्रिय तुष्टि के लिए जाते हैं, कोई गेम नहीं खेलने देखने जाता है, वो सिर्फ लड़कियों को देखने जाते हैं कैसे वो दौड़ रही है, कैसे कपड़े पहने हैं, है ना। और लड़कियां भी आजकल ऐसे देख रहे हैं, भक्तों में भक्त समाज में तो ऐसा नहीं है, सब सभ्य है, सभी बच्चे तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, फुल कपड़े पहनते हैं, लेकिन बाहर के भक्त भक्तों के अलावा जब बाहर देखते हैं हम मार्केट में देखते हैं जो भक्त नहीं है उनकी लड़कियां देखते हैं कि कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। तो उसी तरह से आज भी खेलना मना नहीं है, लेकिन बताते हैं कि उस टाइम खेलना चाहिए जैसे प्लेग्राउंड है, स्कूल के प्लेग्राउंड है, छुट्टी हो जाती है, या ऐसे टाइम पे जाएं जब लड़के ना रहे उस टाइम जाएं खेलने के लिए, ऐसे टाइम पे सिर्फ लड़कियां लड़कियां हों, फुल कपड़े पहने, छोटे कपड़े नहीं, स्पोर्ट कपड़े नहीं, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, तो अच्छे कपड़े पहन करके फिर खेल सकती हैं। और पिता के संरक्षण में रहें, बचपन में ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि स्त्री या लड़की हो कोई भी स्वतंत्र नहीं रह सकती, उसको हर कदम पे एक पुरुष का आश्रय चाहिए, सब जानते हैं कि बचपन में पिता का आश्रय में रहना चाहिए, फिर शादी के बाद पति के आश्रय में, फिर बुढ़ापे में पुत्र के आश्रय में संरक्षण में रहती है। तो आजकल जो चल रखा है इंडिपेंडेंट रहना, है ना, तो ये इंडिपेंडेंट वाला जो जमाना आ गया है लड़कियों का, बहुत ही एक तरह से शर्मनाक भी है और ये अच्छी तरह मतलब शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं एक तरह से। शास्त्रों में ऐसा नहीं बोला गया कि इंडिपेंडेंट रहे स्त्री, स्त्री तो हमेशा ही पति का सहयोग के लिए बनी है, है ना, गृहस्थी चलाने के लिए, ठीक है, अगर नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है तो उसको ज्यादा जरूरी है तो कृपा जी बताते हैं टीचिंग लाइन ठीक है कि अपना घर भी संभाल सकती है ठीक से और थोड़ा बहुत अर्न भी कर सकती है, है ना, तो इतना काफी है। लेकिन अगर पति अच्छा खासा कमा रहा है तो उसको जरूरी नहीं है, है ना। और जो ये जो गेम खेल रहे हैं, लेक्चर सुन रही थी उसमें, तो जो लेक्चर सॉरी ये होते हैं गेम होते हैं स्पोर्ट्स वाले, इसमें बताते हैं कि लड़के खेलते रहते हैं, लड़कियां वो चीयर्स क्या होते हैं, चीयर्स लीडिंग, है ना, चीयर्स लीडिंग करती रहती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन करके, तो ये अच्छा टाइम नहीं है, तो इसको हमें इग्नोर मारना चाहिए, दुनिया क्या कर रही है उस पर नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद में वे एग्री हो गए करदम मुनि कि ठीक है, लेकिन जब संतान होगी तो उसके बाद में गृह त्याग करूँगा संन्यास लूंगा, तो ये मेरी शर्त है। तो उनको जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा आए थे उनको ये मंजूर हुआ और अपनी
कन्या का उनको सौंप करके विवाह करवा के और वहां से चले गए। विवाह में उन्होंने बहुत सारा दहेज भी दिया, जो गृहस्थी में जो यूजेबल है, जो काम आने वाला है, वो सब कुछ दिया। पहले के जमाने में भी दहेज देने का एक चलन था जो आज भी है, लेकिन जो आज है पहले जैसा नहीं है। पहले यथाशक्ति देते थे, जिसके पास होता था उसके हिसाब से देते थे, अगर नहीं होता था तो फल फूल दे करके भी काम चल जाता था, जो गरीब है वो फल फूल देते, अपने यथा शक्ति के अनुसार देते थे। लेकिन आज तो क्या होता है, विवाह में डिमांड होती है ना, इतना चाहिए, मेरा बेटा इतना पढ़ा हुआ है, ये जो कर रहा है तो उसके हिसाब से इतना होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। कृपा जी बोल रहे हैं कि जितनी शक्ति थी उतना पहले भी देते थे, और एक तरह से मैंने लेक्चर में सुना था कि ये भी बोलते थे कि जैसे पुत्र को ही लोग ऐसा बोलते हैं कि पुत्र ही ज्यादा वो हमारा वंश चलाने वाला होता है, सब कुछ पुत्र का होता है, ऐसा नहीं है। जैसे पुत्र का तो पूरी जो पिता की जो है जायदाद, वो तो सब कुछ है ही, उन्हीं के लिए छोड़ जाएंगे। लेकिन पुत्री को दहेज इसलिए भी दिया जाता था कि वो अपना भाग नहीं बटाती थी उसके अंदर, पिता की विरासत के अंदर, तो वो उसके हिस्से का उसमें दहेज में देते थे, ये भी एक माना गया है। तो दहेज देना बुरा नहीं है, लेकिन मांगना भी नहीं चाहिए, ये रूपा जी बता रहे हैं। तो उसके बाद में जब कन्या दे के चले गए कर्दमुनि को, उसके बाद में वे फिर से अपना ध्यान उसमें चल लग गए, कर्दमुनि तपस्या में लग गए, भगवान की भक्ति में लग गए, और तुरंत संतान उत्पत्ति का नहीं सोचा उन्होंने, और भगवान की सेवा में लग गए। तो यज्ञ करना और भगवान का नाम जपना, ये सब करते थे। तो उसमें यज्ञ करने के लिए जो माता देवभूति थी, उनकी पत्नी थी, क्योंकि वो सहयोगी थी उनकी, तो उनके कार्य में जो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उसमें वो सहयोग करती थी, उनकी सारी सेवा करती थी, लकड़ियाँ लाना, उनकी सेवा करना, सब कुछ। तो उस वे तपस्या में लीन रहते थे, और बहुत वर्ष बीत गए, बहुत सारे वर्ष बीत गए, और उस वे ध्यान भी नहीं देते थे पत्नी के ऊपर। तो वे अपना इतना ऐश्वर्य छोड़ करके पूरे सम्राट, पूरे विश्व के सम्राट थे वो, उनके पिता स्वयंभू मनु, उनको छोड़ करके, ऐश्वर्य को छोड़ करके, और वहां पर जंगल में रह रही थी माता देवती। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, मन में विचार भी नहीं लाई कि मैं ऐसे महल में रह के आई हूँ, मेरे माता पिता मेरे को यहाँ देख करके गए हैं। वे जैसा था उसी में संतुष्ट रही। और एक एग्जाम्पल हम और भी देखते हैं, माता सीता आइडल वुमेन है, उनको देखते हैं। माता सीता वो भी बहुत बड़े उससे आई थी महल से, और जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वे भी अपनी पत्नी धर्म का निभाने के लिए साथ में चल पड़ी, और उन्होंने जंगल कभी देखा नहीं था। बार बार जब चल रहे थे तो भगवान राम से पूछते थे, सीता माता पूछती थी कि भगवान वो वन आ गया क्या, कह रहे नहीं, तो उन्होंने कभी वन देखा ही नहीं था। तो इतनी बड़ी राजकुमारी और वन में नंगे पैर चल रही थी, उसी तरह से यहाँ पर माता देवभूति भी दिखा रही है कि एक इस पत्नी को कैसा होना चाहिए। जैसी परिस्थिति में पति रहे, वैसी परिस्थिति में पत्नी को भी रहना चाहिए। तो उसके बाद में काफी वर्ष बीत गए, तो देखा कर्दमुनि ने कि दया आ गई उनकी दशा को देखकर, बहुत दुबली पतली हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, उनकी सेवा में लगा दिया अपने जीवन को। तो उन्होंने देखा इतनी दुबली पतली हो गई थी, सारी जो कांति थी वो क्षीण हो गई माता देवभूति की। तो फिर उसके बाद उनको दया आ गई, और उन्होंने बोला कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हें जो जो मांग सकती हो आप मेरे से मांगो, जो मांग सकती हो। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरा शरीर एकदम क्षीण हो गया है, ये ठीक कर सकते हैं, और एक घर का व्यवस्था कर सकते हैं, भागवतम में ऐसा लिखा है। तो फिर उन्होंने बोला कर्दमुनि ने देवती माता को कि ये बिंदु सरोवर है, इसमें आप स्नान करो। तो जैसे ही वो स्नान करने लगी तो उसमें देखा कि अंदर एक बहुत बड़ा महल है, उसके अंदर 1000 कन्याएं हैं सुंदर सुंदर, और जैसे ही वे उसमें डुबकी लगाई तो वैसे ही
वो सारी कन्याएं जो है उनके नजदीक आ गई और उनको फिर वे एकदम सुंदर हो गई थी और बाहर उनको निकाल करके फिर उनको सुंदर सजाया। उन कन्याओं ने 1000 थी दासियां, उन्होंने सुंदर उनको सजाया और अपने तपो बल से करदम मुनि ने एक बहुत सुंदर विमान प्रकट किया। उस विमान वो विमान इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था, उसके अंदर पूरा शहर समाया हुआ था, जलाशय भी थे, बाग बगीचे भी थे, है ना, सब कुछ था जो एक गृहस्थ को चाहिए उसमें सब कुछ था, महल पलंग सब कुछ था, चलता फिरता एक वो शहर था, वो जो विमान था उड़ सकता था, चलता फिरता एक महल था वो। तो कई फिर उसमें उनको आरूढ़ किया उसके ऊपर, विमान के ऊपर माता देवभूति को कर्दम मुनि ने, और वो दासियां हैं पंखा झल रही थी उनके ऊपर, और कई हजारों वर्षों तक वे उस विमान में घूमते रहे, जगह जगह काफी जगह दिखाई उनको, और पूरा मतलब जो भोग था उन्होंने भोगा। तो इस तरह से फिर उसके बाद में उनको 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, और 7 कन्याएं उत्पन्न होने के बाद में फिर कर्दम मुनि जाने लगे ग्रह त्याग के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं छोड़ दूंगा घर। तो उन्होंने बोला वो मतलब मना भी नहीं कर सकती थी, और आंखों से अश्रु बहने लगे कि मैं किसके भरोसे रहूंगी। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, भगवान के भगवान स्वयं अपने अंश के रूप में तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होंगे और वे तुम्हारा सहारा बनेंगे और वे तुम्हें शिक्षा देंगे। सांख्य योग का उन्होंने शिक्षा भी दी आगे जा करके, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम माता देवभूति के उससे सीख सकते हैं कि एक लड़की को कैसा होना चाहिए। जब उनके मन में इच्छा आई कि भाई नारद मुनि से सुन रखा है ऐसे हैं गुणवान कर्दम मुनि, तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि खुद ही ढूंढने के लिए निकल पड़ी, उन्होंने अपने पिता को बताया कि ऐसा ऐसा है और उनके साथ अगर विवाह हो जाता है तो उन्होंने तैयार भी हो गए, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने दूत नहीं भेजे कि जब पता चल गया है कि ये कर्दम मुनि नाम के कर्दम नाम के मुनि है, और तो वो किसी दूत को भी भेज सकते थे कि मेरी पुत्री के लिए इस नाम का वर ढूंढ के लाओ, लेकिन नहीं, वे अपनी पुत्री को बहुत ही प्रेम करते थे, तो वे स्वयं वर ढूंढने के लिए गए अपनी पुत्री के साथ और अपने उनके साथ पत्नी के साथ। तो इसी तरह से हम इस कौन में है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें खुद ही ढूंढ लेना चाहिए, तो ये माता पिता से शेयर करनी चाहिए, कोई भी बात हो अपनी माता से शेयर करनी चाहिए, अगर कुछ ऐसा है भी मन में तो माता से शेयर करो, है ना। और खाली बाहरी गुणों से आकर्षित होकर के किसी से ऐसे सेंटिमेंटल होकर के नहीं होना चाहिए कि शादी बस इसी से करना है, नहीं, हो सकता है कि बाद में हमें पछताना पड़ जाए, है ना। और आजकल ऐसा हो रहा है, ये देखते हैं कि खुद अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं और उसके बाद में बहुत पछताना पड़ता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेम किसी और से करते हैं और फिर माता पिता नहीं मानते तो शादी किसी और से हो जाती है, जब किसी और से शादी हो जाती है तो पूरी गृहस्थी खराब हो जाती है, फिर बहुत जल्दी या तो डिवोर्स होगा या फिर झगड़े होंगे, और संतान अगर उत्पन्न हो गई है तो फिर उसके बाद में क्या होता है, झगड़े रहते हैं आपस में, तो फिर बच्चे भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे मम्मी पापा तो ऐसे ही झगड़ते रहते हैं, फिर वे भी आगे ना डिस्टर्ब रहते हैं बच्चे, वे सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा का संबंध स्ट्रॉन्ग नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो पता नहीं आने वाले टाइम में जब हमारा गृहस्थ परिवार होगा तो हमारा दृढ़ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, तो बहुत डावाडोल हो जाता है उस जगह, बच्चों का भी भविष्य खराब होता है, और जब बच्चों को पता भी चलता है कि मेरे माता पिता का ऐसे भी विवाह हुआ था, वे किसी और को प्रेम करती थी और ऐसे हो गया विवाह, तो बहुत इमेज खराब होती है। तो इसलिए ये उम्र ऐसी है कि हमें सोच समझ करके हर एक कदम को रखना चाहिए, कभी भी मनमानी नहीं करनी चाहिए। जो हमारी आइडल वुमेन है, कुंती महारानी है, सीता देवी है और माता देवभूति है, ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं, उनकी शिक्षाओं से हमें सीखना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। तो जो भागवतम है, भागवतम के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं हैं, तो जब भागवतम की शरण लेंगे
भक्ति से जुड़े रहेंगे, भक्तों के संपर्क में रहेंगे, तो ये सारी शिक्षाएं हमें मिलती रहती है और उसको अपने जीवन में उतारे। हरे कृष्ण। प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं।